तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को, यानी वो सब्सटेंसेस जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो हम इन्हें कहते हैं PGR, और इन्हें ही जो हम प्लांट हॉर्मोन्स भी कहकर बोलते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स के साथ साथ हम इन्हें फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट जो है हमारा प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होता है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, और सेकंड जो है हमारा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। जो हमारे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं वो करवाते क्या हैं, बेसिकली ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़। सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करते हैं, फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं, और सीड फॉर्मेशन में जो है हेल्प करते हैं। तो जो प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं, आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि वो जो है प्लांट की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और उनके एग्जांपल्स हैं ऑक्सिन्स, इन सबको जो है हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो है हमारा जिबरलिन्स, थर्ड जो है हमारा वो है साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स। जो हमारे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं ये जो है बेसिकली डोरमेंसी को स्टार्ट करते हैं। डोरमेंसी बेसिकली होता क्या है, टेम्परेरली ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, टेम्पोरेरली स्टॉपिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो टेम्परेरली क्या होती है, बंद हो जाती है एक प्लांट के अंदर, उसको जो है हम लोग डोरमेंसी कहते हैं। कई सारे प्लांट्स जो हैं डोरमेंट स्टेज में जाते हैं। नेक्स्ट जो ये काम कराते हैं वो है एब्सिशन। एब्सिशन क्या होता है, एब्सिशन होता है हमारा फॉलिंग एंड शेडिंग ऑफ लीव्स। इनके कारण क्या होता है, लीव्स जो हैं फॉल करने लगती हैं, फॉलिंग एंड शेडिंग ऑफ लीव्स। और इनके एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो पहला जो एग्जांपल है वो है ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है वो है हमारा इथाइलीन। सो जो सबसे पहले हम लोग जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से जो है शुरू करने जाएंगे, PGR के अंदर हम लोग बेसिस देखेंगे, हमारे केमिकल नेचर के बेसिस पर जो है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। अब जो हम इनका क्लासिफिकेशन नंबर 2 देखने जा रहे हैं, केमिकल बेसिस। केमिकल बेसिस पे जो है PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है उसके अंदर पहला आता है इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल कंपाउंड्स। सेकंड जो है हमारा एडिनाइन डेरिवेटिव्स, थर्ड जो है हमारा टर्पीन्स, फोर्थ जो है हमारा कैरेटिनॉइड डेरिवेटिव्स, फिफ्थ है हमारा इथाइलीन। जो हमारा इथाइलीन होता है वो गैशियस होता है। अब गैशियस तो होगा ही क्योंकि इथाइलीन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला C2H4 होता है। टर्पीन्स जो है हमारे जिबरलिन्स हैं, जिबरलिन्स। GA3 जो है इसका फॉर्मूला है बेसिकली। कैरेटिनॉइड डेरिवेटिव्स के अंदर आता है हमारा एब्सिसिक एसिड ABA जिसे कहते हैं। एडिनाइन डेरिवेटिव्स के अंदर आता है हमारा काइनेटिन, और जो दूसरा है वो है हमारा फुरफुर लैमिनो प्यूरिन, फुरफुर लैमिनो
प्यूरीन। तो ये जो है दो एग्जांपल हैं हमारे एडिनाइन डेरिवेटिव्स के। और इंडोल कंपाउंड्स जो है इनके अंदर हमारे ऑक्सिन्स आते हैं। जो हमारे एडिनाइन डेरिवेटिव्स होते हैं इनके अंदर हमारे साइटोकाइनिन्स आते हैं। तो ये जो है हमारे साइटोकाइनिन्स के दो एग्जांपल हैं। कैरेटिनॉइड डेरिवेटिव्स मैंने आपको बता ही दिया, मैं इसकी फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, एब्सिसिक एसिड। तो हम लोग अपने इंडोल कंपाउंड्स पर थे। इंडोल कंपाउंड्स बेसिकली हमारे ऑक्सिन्स होते हैं। ऑक्सिन्स का पहला एग्जांपल है हमारा IAA। IAA का मतलब है इंडोल एसिटिक एसिड। और दूसरा जो है हमारा वो है IBA, जो कि इंडोल ब्यूटायरिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड। तो हमने जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की क्लासिफिकेशन नंबर 2 भी देख ली, क्लासिफिकेशन नंबर 2। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ऑक्सिन्स टॉपिक को। ऑक्सिन्स टॉपिक जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो है एक प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है। ऑक्सिन क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। और इसको जो डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स डार्विन। और जो हमारा ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट द टिप ऑफ शूट एंड टिप ऑफ रूट्स, यानी ये रूट की शूट और टिप पर जो है प्रेजेंट होता है। और जो हमारा ऑक्सिन होता है, अगर उसके बायोसिंथेसिस की बात करें तो बायोसिंथेसिस का मतलब है वो प्लांट के अंदर कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी कि ये जो है शूट और रूट रीजन में प्रोड्यूस होता है, दोनों की टिप पर प्रेजेंट होता है। और जो ऑक्सिन के प्रीकर्सर हैं, प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन वो क्या हैं? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। और जो दूसरा है वो है जिंक 2+ पॉजिटिव आयंस जो हैं इसके प्रीकर्सर हैं। और जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सिन का वो बेसिपिटल होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन वो हमारा बेसिपिटल होता है, और बेसिपिटल के साथ साथ पोलर भी होता है। बेसिपिटल यानी बेस से लेकर जो है टिप की तरफ आता है। अगर कुछ ऑक्सिन्स के मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ऑक्सिन में सबसे पहले नेचुरल फॉर्म्स की बात करते हैं। जो नेचुरली ऑक्सिन हमें प्रेजेंट हैं अर्थ पर वो हैं हमारे IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, और जो दूसरा है वो है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। अब कुछ सिंथेटिक फॉर्म्स की बात कर लेते हैं जो कि मैन मेड हैं, जो कि ऑक्सिन का जो है फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट की बात करें तो वो है NAA, और सेकंड जो है हमारा 2,4-D है, और NAA की फुल फॉर्म है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। नेप्थलीन एसिटिक एसिड को मैं AA से डिनोट कर रहा हूँ। 2,4-D की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और ये कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है सिंथेटिक ऑक्सिन। इसकी फुल फॉर्म है डाई क्लोरोपेन ऑक्सी एसिटिक एसिड, डाई क्लोरोपेन ऑक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट जो मैं आपको इसका क्वालिटेटिव टेस्ट बताने जा रहा हूँ, क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो इसके दो क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं जो कि हमें पता है, दैट इज़ अवीना ओट कर्वेचर टेस्ट। इस टेस्ट के बारे में हमें बस यही पता करना है कि ये जो टेस्ट का ही आपसे नाम पूछा जाएगा और कुछ भी आपसे इससे रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। जो दूसरा क्वांटिटेटिव टेस्ट है वो है रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट, रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट। तो ये दो तरीके के क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो हमारा ऑक्सिन है उसका
एक फंक्शन होता है। अब यहाँ से जो है हम ऑक्सिन के फंक्शंस देखने जा रहे हैं। जो पहला फंक्शन ये या फिर रोल अदा करता है वो है एपाइकल डोमिनेंस का। एपाइकल डोमिनेंस बेसिकली होता क्या है, यानी जो हमारी एपेक्स होती है, एपेक्स की बर्ड, जैसे ये हमारा प्लांट है और ये हमारी लेटरल साइड्स हैं, तो जो हमारा प्लांट होता है उसकी टिप पर एक बर्ड प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग कहते हैं एपाइकल बर्ड। और जो हर यहाँ पर प्रेजेंट होती है इसे हम लोग कहते हैं लेटरल और एक्जिलरी बर्ड। ये मैंने आपको एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा रखा है, आप जाएं तो उस लेक्चर को रेफ़र भी कर सकते हैं। ये हमारी एपाइकल बर्ड होती है और ये जो है हमारी लेटरल और एक्जिलरी बर्ड होती है। अगर हम लोग यहाँ से इसको कट कर दें एपाइकल बर्ड को तो होगा क्या, अगर हमने यहाँ पर एपाइकल बर्ड को कट कर दिया तो ये जो इसकी लेटरल बर्ड्स हैं वो लेटरल ग्रोथ कराने लगेगी प्लांट की। इस वजह से क्या होगा, जो हम एपाइकल बर्ड को हटाते हैं उसको हम लोग डीकैपिटेशन कहते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख दूंगा। तो मतलब अगर हमारा यहाँ से एपाइकल बर्ड हट गई तो जो लेटरल जो ये वाली साइड्स हैं इनकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा होएगी। क्यों हो रही है अब इनकी ग्रोथ, क्योंकि जो ऑक्सिन है वो पहले यहाँ टिप पर प्रेजेंट होता था, जिस वजह से जो है वो डोमिनेट करके इसकी ग्रोथ को फर्दर एक्सटेंड करता था। बट ऑक्सिन ना होने की वजह से यहाँ पर अब कोई भी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि शूट ही नहीं है। जब शूट ही नहीं है तो वो ऑक्सिन जाएगा कहाँ, वो ऑक्सिन फिर से यहीं इसी एरिया में जाने लगेगा जो कि हमारी लेटरल बर्ड का एरिया है, वहाँ पर जाके ऑक्सिन प्रेजेंट होगा और वहाँ पर ग्रोथ होने लगेगी। डीकैपिटेशन की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ, इस पर क्वेश्चन आता है, रिमूवल ऑफ एपाइकल बर्ड, बस इतनी सी ही इसकी डेफिनेशन है, इसी को हम लोग डीकैपिटेशन कहते हैं। तो जो हमारा एपाइकल डोमिनेंस है मैं आपको इसकी भी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिनोमिना इन विच एपाइकल बर्ड डोमिनेट्स स्लैश डू नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ लेटरल एक्जिलरी बर्ड्स। यानी जो एपाइकल डोमिनेंस है उसका जो डेफिनेशन है ये एक इस तरीके का फिनोमिना है जिसके अंदर जो एपाइकल बर्ड है, जो टिप पर बर्ड प्रेजेंट है, वो डोमिनेट करती है और अलाउ नहीं करती ग्रोथ ऑफ लेटरल एक्जिलरी बर्ड्स। इसका सॉल्यूशन क्या है, कई बार इस पर भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसका सॉल्यूशन सामने ही लिखा है, डीकैपिटेशन। अगर हम किसी भी प्लांट की जो एपिकल बर्ड है उसको काट दें तो जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और उसकी लेटरल ग्रोथ होगी। और इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसका जो एग्जांपल है वो हमें टी प्लांटेशन के अंदर देखने को मिलता है। जो टी प्लांटेशन होती है आपने देखा होगा, उसके अंदर जो उसकी टिप होती है टी प्लांट की उसको कट कर दिया जाता है और इस वजह से जो उसकी साइड की लेटरल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो एपिक हमारा ऑक्सिन है वो हेल्प किसके अंदर करता है, सेल डिवीज़न और जाइलम डिफरेंशिएशन के अंदर। सेल डिवीज़न जो है इससे फास्ट हो जाएगा क्योंकि हमें पता ही है ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है और रूट की और शूट की टिप पर प्रेजेंट होता है तो वहाँ ग्रोथ तो एकदम अच्छे तरीके से होती है। यहाँ पर ये सेल डिवीज़न का काम कराता है और जाइलम डिफरेंशिएशन में मदद कराता है। ये जितने भी पॉइंट और फंक्शन मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये सब के सब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड, ये मदद कराता है हमारा फ्लावरिंग के अंदर, फ्लावरिंग के अंदर जो है ये मदद कराता है। और एग्जांपल इसमें पूछे जाते हैं किन प्लांट के फ्लावर में, तो वो है हमारा पाइन एप्पल जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं और लीची प्लांट, इनके अंदर जो फ्लावरिंग है इसका इनहिबिशन कौन कराता है, ऑक्सिन्स जो हैं इसका इनहिबिशन कराते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो वो है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं इसके कुछ आपको एग्जांपल बताऊंगा और इसके एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्थिनोकार्पी का सिंपल सा मतलब होता है सीडलेस फ्रूट।
कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको अंदर सीड्स जो है नहीं आते, यानी उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता, बस जो उनकी ओवरी है वहीं ग्रोथ ले चुकी होती है। सीडलेस फ्रूट्स के अंदर जो हमें सीड्स नहीं देखने को मिलते, और इसको हम लोग कहते हैं फ्रूट्स फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी ये वो फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता। और इसको हमें प्रोड्यूस कैसे कराना होता है? कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रेइंग। अगर हम स्प्रे कर देते हैं इन जो IAA है, जो कि इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है, अगर हम केवल इसको स्प्रे कर देते हैं उन फ्रूट्स के ऊपर, तो जो उसकी ओवरी होती है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ ले लेती है और सीडलेस प्लांट जो फ्रूट हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास टमाटो है, वाटरमेलन है और मैंगो भी जो है हमने इससे प्रोड्यूस कर रखा है। अब फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो ये जो है हमारा वीडी साइड की तरह भी यूज़ आता है। जो ऑक्सिन्स हैं वो वीडी साइड की तरह भी इस्तेमाल आते हैं, केवल और केवल डाइकोट्स के अंदर। डाइकोट्स के अंदर ही अवेलेबल है, मोनोकोट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। मोनोकोट्स के लिए कोई भी नो इफेक्टिवनेस, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इनका जो इफेक्टिवनेस है वो केवल और केवल मोनोकोट्स में हमें देखने को नहीं मिलता, डाइकोट्स में पूरी तरीके से देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक 2,4-D करके आता है, जिसको मैंने आपको स्टार भी मार्क करवाया था और फिर से करवा रहा हूँ, क्योंकि 2,4-D जो है वो सीरियल क्रॉप्स के अंदर वीडी साइड की तरह यूज़ होता है, यूज्ड एज वीडी साइड इन सीरियल्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग देखने, इसकी जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है रूटिंग में। जो रूट का डेवलपमेंट होता है वो भी इसके थ्रू होता है। इस वजह से हम ऑक्सिन्स को क्या कहते हैं? रूट सेटिंग हार्मोन। बस आपको इतना सा ही याद रखना है, रूट सेटिंग हार्मोन ऑक्सिन्स आल्सो कॉल्ड रूट सेटिंग हार्मोन। जो हमारे ऑक्सिन्स होते हैं वो प्रिवेंट कराते हैं एब्सिशन को, प्रिवेंट्स एब्सिशन। जो हमारे इंडोल एसिटिक एसिड है और जो हमारा NAA है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, प्रीमेच्योर एब्सिशन कराते हैं प्लांट्स का, प्रीमेच्योर एब्सिशन ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंक्रीज स्वीटनेस इन फ्रूट्स, इंक्रीज स्वीटनेस इन फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर जो स्वीटनेस है वो कौन बढ़ाता है? ऑक्सिन्स बढ़ाते हैं। और कैसे बढ़ाते हैं? जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पहले से मौजूद होते हैं, और उसके ऊपर जैसे ऑक्सिन लगता है एज अ प्रोमोटर, तो वो फ्रक्टोस में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्वीट जो हैं ज़्यादा लगते हैं वो फ्रूट्स। जो हमारे ऑक्सिन्स हैं वो ड्वार्फ शूट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं एप्पल के अंदर, ड्वार्फ शूट फॉर्मेशन इन एप्पल। ऐसा क्यों होता है? जिससे कि एप्पल जो हैं वो नीचे की तरफ लग सकें। तो हमने ऑक्सिन्स जो हैं पूरी तरीके से कवर कर लिया। एक छोटा सा और पॉइंट है जो कि काफ़ी ईजी भी है, ये प्रिवेंट करता है फॉलिंग डाउन को, प्रिवेंट फॉलिंग डाउन ऑफ वीक स्टेम। जैसे कोई लकड़ी जो स्टेम है, जो तना हल्का होता जा रहा है, ढीला होता जा रहा है, उसको फॉलिंग डाउन से भी बचाता है। अब कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं हम ऑक्सिन से रिलेटेड। तो जो हमारे ऑक्सिन्स होते हैं उनका
फेमिनिश इफेक्ट होता है. ऑक्सिन्स हैव फेमिनिश इफेक्ट. इसका मतलब क्या होता है, ये जो है फॉर्मेशन कराते हैं फीमेल फ्लावर्स का मेल फ्लावर से पहले. फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर्स. ऑक्सिन्स जो हैं हमारे एक्सटेंसिवली यूज हो रहे हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर फील्ड में. यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर फील्ड. हॉर्टिकल्चर जो है हमारा वेजिटेबल ग्रोथ से रिलेटेड है. हॉर्टिकल्चर फील्ड्स. नेक्स्ट जो है हम लोग देख